भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैविनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर बिहार एवं झारखंड के विभिन्न जिलों के शिव भक्तों का गंगा स्नान करने के लिए पहले सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने अजगैविनाथ के पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर बाबा अजगैविनाथ मनोकामना ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पूजा अर्चना की। गत वर्ष कोरोना महामारी और लॉकडाउन होने की वजह से अन्य राज्य के श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही किसी भी प्रकार की गंगा में अप्रिय घटना न घटे इसके लिए नगर परिषद पूरे गंगा में बास बैरिकेडिंग किया गया है और SDRF तथा स्थानीय मछुआरों की टीम को लगाया गया है। और माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान एवं दान करने से भगवान भोले खुश होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए बिहार झारखंड नेपाल एवं अन्य प्रांतों के शिव भक्त अजगैविनाथ धाम पहुंचते हैं। अजगैविनाथ नगरी भोलेनाथ की जयकारा से गुंजायमान हो गया। माघी पूर्णिमा को लेकर अंचल अधिकारी शंभू शरण राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, अभिनव कुमार के द्वारा गंगा घाटों का जायजा लिया गया। पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा में उत्तरवाहिनी गंगा है यहाँ और साल भर का जो स्नान आदमी करता है इसका फल जितना गंगा में मिलता है उससे आज माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से उसको उतना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए माघी पूर्णिमा का महत्व बहुत ऊंचा माना जाता है तो लोग श्रद्धा है आस्था है लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। जिसको जो श्रद्धा है दान पुण्य भी करता है। ज़्यादातर मिथिलांचल का है, सहरसा जिला है, जमुई है, इस तरीके से लोग तमाम जगहों से मिथिलांचल से बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाखों की संख्या में सुल्तानगंज आज उपस्थित होते हैं और जल भर करके देवघर जाते हैं। श्रद्धा से होली का कुछ लोग तो तिरकोत्सव में अमावस्या में ही चले जाते हैं, कुछ लोग अब जाते हैं होली पर। बसंत पंचमी का जो है जल चढ़ाएंगे ये लोग, उसके बाद अपना घर जाएंगे बाबा बैद्यनाथ पर। जैसा कि एक तारीख को महाशिवरात्रि है उसको लेकर आज की कुछ विशेषताएं। महाशिवरात्रि की 1 मार्च की है, अब तैयारी चल रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो परंपरा है वो तो खैर होगा ही और इस साल तो उम्मीद है कि धूमधाम से होगा। 2 साल से तो कोरोना में हुआ लेकिन एक नियम जो परंपरा है वो किया गया, इस साल धूमधाम से हुआ और सरकार का ये आदेश है कोरोना को देखते हुए पालन करते हुए उसी हिसाब से शिवरात्रि मनाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। R9 भारत के लिए अतुल भारती की रिपोर्ट सुल्तानगंज से।